मीटिंगें तो बहुत होती हैं, बहुत मीटिंग करते हैं, लेकिन जिस अनुपात में लोगों को साथ देना चाहिए ऐसा साथ मिलता नहीं। लोग बहुत तारीफ करते हैं आपकी, बहुत सम्मान देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि किसी संघर्ष में दो कदम आप ही साथ में चलिए, तो फिर उनका पता नहीं होता कि कहां जाते हैं। तब रिश्तेदारी में भी उनके काम निकल आते हैं, दोस्तों में भी कहीं आना जाना पड़ता है। बेशक पूरे दिन खाली बैठे रहे हैं, लेकिन उस समय कुछ ना कुछ काम जरूर होता है। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि ये सब मांगना क्या है। खैर, यहां पर अभी आप देख रहे हैं सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान बचाओ। क्यों बचाना है संविधान? क्या है संविधान? कैसे बचाना है संविधान? और किससे बचाना है संविधान? ये सारे सवाल आपके जहन में, आपके मन में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? संविधान साथियों इसलिए बचाना है कि इस देश के जो लोग हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, शहर के हों, गांव के हों, मोहल्ले के हों, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी हो, अगर इस देश में सम्मान से जीने का कोई भी अधिकार आपका है, तो वो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान की बदौलत है। अगर संविधान खत्म हो जाए, ये संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, तो आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। और अधिकार बिना इंसान मुर्दे से ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए संविधान बचाना जरूरी है। मेरे साथी बैठे हैं सारे वर्कर्स फेडरेशन के, रेहड़ी पटरी वाले सारे साथी हैं, इनकी भी रेहड़ी पटरी तभी बचेगी जब संविधान बचेगा। जो भी साथी फुटपाथ पर जूते चप्पल ठीक करते हैं, जिनके माध्यम से आज ये मीटिंग भी अरेंज की गई है, जो भी बहुत परेशान है, उनके भी ठीक कब बचेंगे? जब संविधान बचेगा। आपका रोजगार कब बचेगा? आपको नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? जब संविधान बचेगा। आपको शिक्षा कैसे मिलेगी? आपके बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी? आप कोई बिजनेस कर सके, किसान खेती कर सके, मजदूर मजदूरी कर सके, ये कब संभव है? जब संविधान बचेगा। और संविधान बचे ही नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि संविधान ईमानदारी से लागू हो। लेकिन 72 साल 1950 में जब संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, तब से लेकर आज तक 72 साल हो गए, पर अभी तक संविधान लागू नहीं हुआ। लेकिन संविधान को खत्म करने की सारी कोशिशें सभी सरकारों ने की है, और वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, ये पूरी तरह से इसे खत्म कर देना चाहती है। तो संविधान का बचना बहुत जरूरी है साथियों। आज आप वोट देते हैं तो किसकी बदौलत देते हैं? संविधान की बदौलत। आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, नौकरी करते हो, कहीं रहते हो, कुछ करते हो, किसी भी जाति धर्म के हो, इसी की बदौलत तो आपको जो है वोट का अधिकार मिला है। और ये वोट का अधिकार आपको दिलवाया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, अन्यथा तो आपको कोई वोट का अधिकार इस देश में नहीं मिलता। मैं कई जगह बताता हूं, आपको भी बताना चाह रहा हूं, तीन ही तरह के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा था। एक, जिनके पास 50 बीघा जमीन हो। दो, जिनके पास कम से कम बीए तक की शिक्षा हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो।
यानी ग्रेजुएट हो, और तीसरा जो इनकम टैक्स देते हो, तो आप सारे के सारे हम यहां जितने बैठे हैं एक आध को किसी को छोड़कर बाकी सारे के सारे अपने बुजुर्गों के विषय में सोचो और बताओ कि क्या आपके बुजुर्ग या आप में से आज हम भी कितने लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार मिलता। और अगर वो लागू हो गया होता तो आज जो पढ़ लिख भी गए हैं आप ये भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नहीं, इस देश में कोई भी व्यक्ति हो जिसकी उम्र 21 साल की हो जाएगी उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए वोट देने का अधिकार होगा। वो अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, स्त्री हो, इस जाति का, उस जाति का, इस धर्म का, उस धर्म का, शहर, गांव, कहीं का भी हो, 21 साल जिसकी उम्र होगी सरकार बनाने का अधिकार उसको होगा। इस तरह से आप सबको वोट का अधिकार मिला, और केवल वोट का ही अधिकार है जिससे आप संविधान को बचा सकते हो, केवल वोट के अधिकार से। अन्यथा आपके वोट का अधिकार जिस दिन चला गया संविधान खत्म हो जाएगा। और इस सब को खत्म करने के लिए लगातार काम हो रहा है, लगातार। आप सोते रहे, आप जानना ना चाहे, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाए। जो लोग ये चाहते हैं वो लगातार इन अधिकारों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे। अभी पिछले दिनों अगस्त के महीने में इलाहाबाद का नाम तो सुना है, जो प्रयागराज हो गया है, उस इलाहाबाद में एक तथाकथित धर्म संसद की मीटिंग हुई, और उस धर्म संसद या धर्म संगठन जिसने मीटिंग की उसने भारत का संविधान जो अब है इसको खत्म करके मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू हो उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। 60 पेज की रूपरेखा पर उन्होंने चर्चा की, और उसके बाद में अगले साल यानी अब 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद अगला साल शुरू हो जाएगा, उसकी दूसरी मीटिंग बनारस में होगी, और उस धर्म संसद में जो संविधान वो बना रहे हैं मनुस्मृति पर आधारित उस पर चर्चा हुई। उसमें क्या लिखा था, यह अखबार की खबर है, 12 अगस्त का दैनिक भास्कर अखबार, उसे निकालिए और पढ़िए। उस अखबार